क्रिकेट की दुनिया में कई कहानियां प्रचलित हैं, परंतु ये कहानी उन कहानियों में सबसे अलग है। अलग है इस कहानी का अंत और आरंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री। द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड प्रलय ऑफ एवी डिविलियर्स। ये कहानी एवी के कैसे प्रलय पर आधारित है, जिसके बाद वेस्ट इंडीज के कई गेंदबाजों के करियर का अंत हो गया। 18 जनवरी 2015, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। कुछ ऐसे ही मौसम में साउथ अफ्रीका आज एक अलग रंग में नजर आ रही थी। अब कुछ ऐसे ही माहौल में साउथ अफ्रीका के सामने था वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उस कप्तान के इस फैसले पर दिग्गजों के मन में तरह तरह के सवाल थे। उन सवालों में दो प्रमुख सवाल थे, ये फैसला किस हद तक सही है, क्या उस कप्तान को पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, वो भी इस पिच पर और साउथ अफ्रीका के सामने। तमाम सवालों के साथ साउथ अफ्रीका अब अपने सलामी बल्लेबाजों के साथ मैदान में थे। शुरुआत से ये दोनों बल्लेबाज संभल कर साउथ अफ्रीका के लिए शुरुआत करते हैं और पहले पावर प्ले के आखिरी ओवर तक साउथ अफ्रीका को 50 के पार पहुंचा दिया। वेस्ट इंडीज का ये दांव अब धीरे धीरे वेस्ट इंडीज पर भारी पड़ रहा था। बॉल फेंक रहा हर गेंदबाज एक एक विकेट को तरस रहा था। न हासिम का बल्ला हार मान रहा था और न ही रायली की रेल निकल रही थी। साउथ अफ्रीका के ये दोनों बल्लेबाज वेस्ट इंडीज पर हावी हो चुके थे। धीरे धीरे ये खेल 25 ओवर तक पहुंच चुका था। साउथ अफ्रीका का स्कोर 150 के करीब था। इस स्कोर को देख दिग्गजों ने एक बड़े स्कोर की भविष्यवाणी कर दी, परंतु ये स्कोर कितना बड़ा होगा, अभी सबके सामने ये सवाल एक सवाल था। हासिम और रूसो धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। भयावह स्थिति में पहुंच चुका ये मैच भविष्यवाणी कर रहे दिग्गजों के अनुसार अब वेस्ट इंडीज के लिए एक दर्दनाक याद बनने वाला था। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने अपने तरकस के हर तीर को आजमाया, परंतु वेस्ट इंडीज का कोई भी तीर सही निशाने पर ना लगा। एक तरफ वेस्ट इंडीज का हर गेंदबाज एक एक विकेट को तरस रहा था, वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन डायनामाइट डेंजरस डिविलियर्स अभी मैदान के बाहर से इस मैच का माहौल ले रहा था। हासिम और रूसो की ये सलामी जोड़ी वेस्ट इंडीज के लिए मेल का पत्थर बन चुकी थी। पहली पारी के 30 ओवर तक साउथ अफ्रीका के ये दोनों बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के स्कोर को 170 के पार पहुंचा चुके थे। इस दौरान कई रिकॉर्ड्स बन रहे थे तो कई रिकॉर्ड्स टूट रहे थे, परंतु किसको पता था कि क्रिकेट की दुनिया का सबसे भयानक वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी वेस्ट इंडीज का इंतजार कर रहा है। पहले गेंदबाजी करने का ये दाव वेस्ट इंडीज के लिए भारी पड़ रहा था, परंतु पारी के 38वें ओवर की चौथी बॉल पर वेस्ट इंडीज को अपनी पहली सफलता प्राप्त हुई, जब शतक के पश्चात रॉकेट बन चुके रूसो टेलर का शिकार बन जाते हैं। इस विकेट के पतन के पश्चात वेस्ट इंडीज को समझ नहीं आ रहा था कि इस विकेट की खुशियां मनाए या फिर मातम, क्योंकि अब मैदान में जो शख्स प्रवेश कर रहा था वो गेंदबाजों का काल नहीं, वो गेंदबाजों के लिए महाकाल था। वो कोई ऐसी वैसी हवा नहीं, वो खुद में एक तूफान था। वो गेंदबाजों के लिए देवों से मिला एक अभिशाप था, और उस अभिशाप को सामने देख वेस्ट इंडीज के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। दुनिया उस अभिशाप को श्रीमान डेंजरस डिविलियर्स कहती है, परंतु इस परिचय के पश्चात जो प्रारंभ हुआ उसे परिचय नहीं पछतावा कहते हैं, क्योंकि 40वां ओवर फेंकने आए आंद्रे रसेल को एवी ने अपने रडार पर लिया और आंद्रे के इस ओवर में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 21 रन कूट दिए। अगले ओवर में एवी ने एक बार फिर से टेलर को ट्रेलर दिखाया। अब ये कहानी की नहीं एक दो ओवर की नहीं थी, ये कहानी अब हर ओवर में घटित हो रही थी, क्योंकि 42वां ओवर फेंकने आए होल्डर को एवी ने बैक टू बैक 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 24 रन पीट दिए। इस धुलाई को देख वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों में अब खलबली मच चुकी थी। कोई गेंदबाज फुल टॉस फेंक रहा था तो किसी को लाइन तो किसी को लेंथ नहीं मिल रही थी। न होल्डर से बॉल होल्ड हो रही थी, न टेलर की बॉल पर कोई ट्रेलर था। उस दिन की पूरी पिक्चर एवी नाम के तूफान पर थी। जब वो शख्स बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आता है तब हासिम अपने 114 के व्यक्तिगत स्कोर पर थे। जब हासिम का बल्ला महज 132 के स्कोर तक पहुंचता है तब तक वो प्रलयकारी बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर कहर बन चुका था। वो शख्स महज 26 गेंदों में 82 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा था।
45वें ओवर में रसल ने थोड़ी पलटवार किया, परंतु अगले ओवर में एवी ने एक बार फिर से होल्डर को होल्ड कर एक चौका और बैक टू बैक तीन छक्के फोड़ दिए। इस एक छक्के के साथ महज 31 गेंदों में एवी का शतक आ चुका था। दुनिया का सबसे विध्वंसक बल्लेबाज वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का महाकाल बन चुका था। समस्त वेस्टइंडीज के गेंदबाज एवी नाम के उस तूफान से माफी मांग रहे थे। वेस्टइंडीज के समस्त गेंदबाज त्राहिमाम त्राहिमाम का शोर कर रहे थे, परंतु ग्राउंड में बल्ला लहरा रहा वो शख्स उसने आज दर्शकों को फील्डर और फील्डर्स को दर्शक बना दिया था। मैदान में बल्ला लहरा रहा वो तूफान अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि अभी भी कुछ गेंदों का खेल बाकी था, अगली 12 गेंदों का खेल बाकी था। ऐसे में अब सबकी निगाहों में एक ही सवाल था, क्या आज साउथ अफ्रीका दुनिया के हाईएस्ट स्कोर को पार कर पाएगा कि नहीं। अब अगली 12 गेंदें देने वाली थी दुनिया के सारे सवालों का जवाब। अवेवी के निगाहों में भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो कुछ वर्ष पूर्व कंगारुओं ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही बनाया था। अपनी इस आशा को परिभाषा देते हुए एवी ने 49वें ओवर में ड्वेन स्मिथ को अपने रडार पर लिया और स्मिथ के इस ओवर में चार छक्के और एक चौके की मदद से 30 रन कूट दिए। एवी का पल्ला महज 41 गेंदों में 147 के स्कोर पर था। दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज अब सबसे तेज 150 रन के करीब था और आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी था। परंतु आखिरी ओवर में रसल ने एवी को आउट कर एवी के सपनों में पानी फेर दिया। वो तूफान वो सूरमा अपने तूफानी बल्लेबाजी से अपना करिश्मा दिखाकर वो शख्स मैदान के बाहर जा रहा था, लेकिन उसके द्वारा मचाए गए उस कदर को देख वेस्टइंडीज के समस्त गेंदबाज अपना सिर झुका करके चल रहे थे। सबसे बड़े स्कोर का स्कोर महज 2 रनों से रुक जाता है। साउथ अफ्रीका के शुरुआती 3 बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के लिए शतक बनाया। हासिम आमला के बल्ले से 142 गेंदों में 153 रन आए। वहीं रूसों ने 128 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं एवी स्टॉर्म ने महज 44 गेंदों में 16 छक्के और 9 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ 149 रन बनाए। ये रहा वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। वेस्टइंडीज की ओर से जेरोम टेलर ने 10 ओवर में 95 रन खर्च किए। वहीं ड्वेन स्मिथ ने महज 4 ओवर में 68 रन खर्च कर दिए। वेस्टइंडीज की ओर से सुलेमान बेन सबसे किफायती गेंदबाज रहे। ये रहा वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का लेखा जोखा। उस तूफान के जाने के बाद मैदान में चारों तरफ सन्नाटा था। वहीं वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बदले की आग में धधक रहे थे, क्योंकि वेस्टइंडीज के पास भी अब कुछ ऐसे बल्लेबाज थे जो किसी भी मैच को कभी भी पलट सकते थे। हार से बेपरवाह वेस्टइंडीज अब हर हालात में साउथ अफ्रीका से बदला चाहता था। अपने गेंदबाजों पर हुए इस अत्याचार का बदला वेस्टइंडीज का हर बल्लेबाज चाहता था। ऐसे में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने अपनी समस्त काली शक्तियों को एकत्रित कर साउथ अफ्रीका पर पलटवार करने का ठान लिया। अपनी समस्त काली शक्तियों को एकत्रित कर वेस्टइंडीज क्रिस्टोफर हेनरी गिल के साथ डॉक्टर स्मिथ को मैदान पर उतार दिया। डॉक्टर ने मॉर्कल को पहली बॉल पर चौका जड़ अपने इरादे जाहिर कर दिए। डॉक्टर के इरादों को देखते हुए मिस्टर किल ने भी फिलेंडर को चौथे ओवर में एक छक्के और एक चौके की मदद से अपने तूफानी पारी का आगाज किया। कनपट फार शॉट को देख मोर्नी मॉर्कल को समझ आ चुका था, अगर इस तूफान का अंत तुरंत नहीं हुआ तो इनके काली शक्तियों का विस्तार अनंत है। मॉर्कल को अच्छी तरह से पता था कि ये काली शक्तियां मैदान में किस हद तक कयामत बन सकती हैं। ऐसे में गिल के शुरू होने से पहले मॉर्कल ने गिल को आउट कर गिल का खेल खत्म कर दिया। वेस्टइंडीज का सबसे तूफानी बल्लेबाज वेस्टइंडीज के लिए मैदान छोड़ चुका था। एक तरफ से डॉक्टर स्मिथ का संघर्ष लगातार जारी था, वहीं दूसरे छोर से वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बैक टू बैक अपने विकेट खो रहे थे। अब इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की आधे से अधिक टीम तू चल मैं आया के सिद्धांत का पालन कर चुकी थी। अब यहां से आखिरी 10 ओवर का खेल बाकी था। वेस्टइंडीज लगभग हार मान चुका था, क्योंकि वेस्टइंडीज के खाते में अभी सिर्फ और सिर्फ 242 रन थे और वेस्टइंडीज अपने शुरुआती 6 विकेट खो चुका था। ये मैच जीतने के लिए वेस्टइंडीज को अब पर ओवर 20 रन बनाने थे, परंतु साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी की बदौलत वेस्टइंडीज अगली 60 गेंदों में महज 49 रन बना पाता है और इस मैच को 148 रनों से हार जाता है। ये रहा वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। वेस्टइंडीज के कई बल्लेबाजों को एक अच्छी शुरुआत मिली, परंतु वेस्टइंडीज का कोई भी बल्लेबाज अपने इस शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील ना कर सका। नतीजन इस मैच को वेस्टइंडीज 148 रनों से हार चुकी थी। वेस्टइंडीज की ओर से सर्वाधिक ड्वेन स्मिथ ने 65 गेंदों में 64 रन बनाए।
वहीं सैमुअल्स और कार्टर ने 40-40 रन बनाए। ये रहा साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। साउथ अफ्रीका की ओर से मॉर्नी मॉर्कल ने 10 ओवर में 43 रन खर्च करके वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों का शिकार किया। वहीं वार्नर फिलिंडर ने भी वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। ये मैच इस दुनिया में ना तो वेस्टइंडीज के हार पर प्रसिद्ध है और ना ही साउथ अफ्रीका की जीत पर। इस मैच को संपूर्ण दुनिया मिस्टर अंगार के सबसे विध्वंसक पारी की बदौलत याद करती है। तो डॉक्यूमेंट्री का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा, तो इसी तरह शानदार स्टोरीज को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री, एंड नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस प्लेयर पर चाहिए। ने इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। डिविलियर्स ने न्यू वांडर्स स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैच के 39वें ओवर की 14